लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की मांग करने की बजाय तो इन्हें इसमें सीधा आरक्षण ही दिलवाना चाहिए, ये मांग करनी चाहिए। वो तो सत्ता में बैठे हैं, तो उनको मांग करने की बजाय मांग किससे कर रहे हैं, सत्ता में खुद हैं, तो उनको सेंटर में बीजेपी की सरकार को सीधा बोलना चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था करें। तो वो कोई अपोजिशन में तो है नहीं, तो इसलिए उनको ये प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की मांग करने की बजाय इन्हें इसमें सीधा आरक्षण ही दिलवाना चाहिए, ये इनका स्टैंड होना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही बीएसपी केंद्र सरकार से फिर से ये मांग करती है कि वह इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर इन्हें भी अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था करें। इसके साथ साथ बीजेपी व आरएसएस के लोगों को देश के एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखे जाने को लेकर इन्हें इस पर केवल अपनी कोरी हवाई बयानबाजी करने की बजाय इन वर्गों का समय से आरक्षण का कोटा भी अपनी केंद्र की सरकार से पूरा करवाना चाहिए और साथ ही इनके पदोन्नति में आरक्षण को भी संवैधानिक संशोधन के जरिए इसे भी प्रभावशाली बनवाना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो केवल हवाई बातें करना, तो मैं समझती हूँ कि जो इस देश के जो दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी ये हवाई बातों को अच्छी तरीके से वो समझते हैं। देखो जो आरएसएस के जो मुखिया हैं, कभी वो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं तो, और कभी बोलते हैं कि नहीं आरक्षण बने रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब जब भी इनका ये बयान आता है, कभी समर्थन में कभी खिलाफ में, तो वो केवल अपने वो राजनीतिक स्वार्थ में उस समय की परिस्थितियों को देखकर वो अपना बयान देते हैं। और अभी तक उनका जो बयान है वो नेगेटिव ही रहा है, नकारात्मक ही रहा है, पॉजिटिव नहीं रहा है। और दूसरा, केवल हवाई बयानबाजी करने से तो काम चलेगा नहीं। यदि वो अब बीजेपी और आरएसएस के मुखिया इतने ही एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन के पक्षधर हैं, तो इनको ये चाहिए, सेंटर में इनकी सरकार है तो इनको ये चाहिए कि जो इनका आरक्षण का कोटा जो बरसों से अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा कराएं। और दूसरा, जो पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला है, तो इनको इसको जो है राज्यसभा में ये जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है ये पास हो चुका है, लोकसभा में पड़ा हुआ है, इसको पास कराए, लोकसभा में इनकी मेजोरिटी है, तो इस ओर इनको ध्यान देना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो जब से ये पार्टी पावर में आई है तो सेंटर में तो जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके बड़े बड़े कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों को रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। जो इनका रिजर्वेशन कोटा था तो वो भी इन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया है, तो इसको ये लोग धीरे धीरे, बीजेपी एंड कंपनी के लोग इसको धीरे धीरे रिजर्वेशन को खत्म करने में लगे हैं। यदि ये सही मायने में इन वर्गों के पक्षधर हैं तो इनको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में इनके लिए अलग से रिजर्वेशन की भी व्यवस्था करें। तो मैं जो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सेंटर को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, तो तब राज्यों की जो सरकारें वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। राज्यों की जो सरकारें थोड़ा घना कर देंगे वो केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन इससे एसटी ओबीसी वर्गों के लोगों को कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। एक कानून बनना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, और जब वो स्टैंड ले तो उसको राज्यों में उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाएं, तब तो इनको फायदा मिलेगा।